दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल इलाके में 25 अप्रैल को हुए महिला और बच्चे की डबल मिस्ट्री की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने डबल मर्डर के आरोप में महिला के प्रेमी को ही पश्चिम बंगाल के मालदा से गिरफ्तार किया है। वारदात की जगह पर मिली स्कूल बेल्ट से पुलिस आरोपी तक पहुंची। संजय मौके से गायब था और कम से कम एक 24 तारीख की घटना थी, 23 तारीख के रात से संजय को किसी ने नहीं देखा था, तो ये एक नेचुरल सस्पेक्ट के रूप में पुलिस टीम उसकी तलाश करने लगी और उसकी तलाश में हमारी पुलिस टीम तुरंत मालदा के लिए रवाना हुई और वहां पर उसके ऊपर सर्वेलेंस रख के काफ़ी मुश्किल से, जब वो मालदा से झारखंड की तरफ जाकर के छुपने के लिए अपना जगह बदल रहा था, उसी समय हमारी पुलिस टीम ने उसको दबोच लिया और उसको जब पूछताछ किया तो वो फिर इसकी हत्या किया होना स्वीकार किया, तो उसके बाद उसको गिरफ्तार करके उसको दिल्ली लाया गया है। पुलिस ने आरोपी संजय की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को बरामद कर लिया है, साथ ही मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।